महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का अब काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभी तक अपनी कैबिनेट का विस्तार नहीं किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री इसे अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली भी जाने वाले थे, जहां उनकी मुलाकात बीजेपी के आला कमान से हो सकती थी, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया, जिसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इसके पीछे की वजह साफ नहीं आई है। एकनाथ शिंदे ने हाल ही में कहा था कि वो अगले 3 दिनों में अपने कैबिनेट का विस्तार कर लेंगे, लेकिन दिल्ली दौरा टलने के बाद फिर से कयासों के बाजार गर्म हो गए हैं। लोग अब शिंदे गुट और बीजेपी के बीच के समीकरण पर भी चर्चा करने लगे हैं। आपको बता दें कि सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे कई बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। अधिकांश बैठक के बाद कैबिनेट विस्तार पर अंतिम मुहर की बात कही जाती रही है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। एकनाथ शिंदे के विद्रोह को लगभग 1 माह से अधिक का वक्त बीत चुका है। उनके साथ शपथ ग्रहण समारोह को भी कई दिन हो चुके हैं। 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद हर बार ये कहा जा रहा है कि शिंदे और फडणवीस जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, लेकिन अभी तक वो वक्त नहीं आया है। इसी बीच विपक्ष ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना भी की है। विदर्भ मराठवाड़ा में बारिश से बड़े पैमाने पर कृषि को नुकसान हुआ है। मंत्रिपरिषद का विस्तार न होने की वजह से किसी भी जिले में संरक्षक मंत्री नहीं है। साथ ही विपक्ष ने सरकार की ओर से मदद नहीं पहुँचने की भी आलोचना की है। साथ ही राज्य सरकार का मानसून सत्र अभी तक नहीं हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते कई दिनों से बड़ा सियासी बवंडर देखने को मिल रहा है। शिवसेना के बागी विधायकों के तेवर ने उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक छीन ली। आरोप लगाए गए कि साथ साथ सरकार चलाने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने भगवा खेमे को खत्म करने की साजिश रची थी। कहा यह भी जा रहा है कि अगर रामदास कदम और दिवाकर राव कैबिनेट में होते तो अजीत पवार को खुला मैदान नहीं मिलता। कोरोना के कारण उद्धव ठाकरे 2 साल से घर में थे। इस दौरान अजीत पवार ने प्रशासन पर अच्छी पकड़ बना ली। उन्होंने अपनी पार्टी एनसीपी को बढ़ाने की कोशिश की। उधर शिवसेना के बागियों ने पहले ही आरोप लगाए थे कि उद्धव ठाकरे तक उनकी पहुंच नामुमकिन सी हो गई थी। उद्धव अपने किसी मंत्री और किसी नेता से नहीं मिलते थे। विधायकों और मंत्रियों समेत शिवसेना के विधायक और मंत्रियों को उनके फंड नहीं दिए जाते थे, जिसकी वजह से वो अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे थे। सारा फंड कांग्रेस और एनसीपी के मंत्रियों और विधायकों को मिलता था। यही सारी वजह थी कि बगावत हुई और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और उद्धव ठाकरे अकेले पड़ गए। वीडियो डिस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।